यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही बड़ी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी आज चक्का जाम करेंगे और साथ ही एक महीने का वेतन न मिलने से रोडवेज कर्मचारी नाराज हैं, जिसके चलते चक्का जाम आज उनकी ओर से किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रोडवेज के इस चक्का जाम के चलते, रोडवेज कर्मचारियों के इस चक्का जाम के चलते यात्रियों को भी काफी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बल्लभगढ़ से, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी आज चक्का जाम करेंगे और साथ ही एक महीने का वेतन रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला है और इसी के चलते अब चक्का जाम करने की तैयारी में है रोडवेज कर्मचारी। और साथ ही आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों के इस चक्का जाम के चलते यात्रियों को भी परेशानियां हो सकती हैं, यात्रियों को भी काफी परेशानी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रेम खान हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम खान, आज रोडवेज कर्मचारियों की ओर से चक्का जाम करने की तैयारी है, किस तरह से इसका असर अभी से देखा जा रहा है और साथ ही क्या कुछ वजह बताई जा रही है जो एक महीने का वेतन इन्हें नहीं दिया गया है? मैम, जैसे बता दूं, मैं एक महीने का वेतन नहीं दिया गया है और इनकी मांग ये है, एक महीने का पहले 2-3 तारीख में इनका वेतन मिल जाता था, अब 21 और 22 तारीख होगी, अब तक वेतन इनको नहीं मिल पाया है। जी, क्या क्या वजह बताई जा रही है प्रेम खान इसके पीछे? वजह बताई जा रही है, जो जीएम से बात हुई थी, कहते बजट खत्म हो गया है और कर्मचारियों ने बोला है कि हमारे टाइम पे ही बजट खत्म हो गया है। तो आज एक दिन का इनका ये चक्का जाम रहेगा या चक्का जाम आगे भी बढ़ सकता है? सैलरी नहीं मिल पाई इनको तो चक्का जाम ये कंटिन्यू रखेंगे। जी, साथ ही इसका असर किस तरह से देखा जा रहा है प्रेम खान? मैम, जैसे देखा जा रहा है, जो हमने यहाँ के जो, चलिए संपर्क टूट गया, बहुत शुक्रिया प्रेम खान तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों की ओर से चक्का जाम किया जा रहा है, एक महीने का वेतन नहीं मिलने से नाराज है रोडवेज कर्मचारी। तो वहीं जीएम से बात करने पर जीएम की ओर से कहा गया कि बजट जो है वो खत्म हो गया है, जिसके चलते रोडवेज कर्मचारियों को उनका एक महीने का वेतन नहीं दिया गया। तो वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने भी साफ किया है कि जब तक उनका वेतन नहीं दिया जाता है एक महीने का, तब तक वो अपना चक्का जाम रखेंगे, इसी तरह से रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा।